आप देख सकते हो कि ये सोडियम मेटल और गाइजर। सोडियम मेटल की खास बात ये है कि गाइजर हम जैसे ही सोडियम मेटल को अगर पानी के अंदर डीप करते हैं तो गाइजर ये कमाल के तरीके से विस्फोटक हो जाता है और साथ ही साथ गाइजर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन गाइजर आज की इस वीडियो में गाइजर हम इस सोडियम मेटल की पावर टेस्टिंग करने वाले हैं। लेकिन गाइजर इसकी पावर टेस्टिंग करने के लिए गाइजर हम सिंपली एक बास्केटबॉल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गाइजर पावर टेस्टिंग करने से पहले हमें सिंपली गाइजर इसमें से कुछ मात्रा में सोडियम मेटल को बाहर निकालना होगा। तो के गाइजर कुछ मात्रा में सोडियम मेटल को बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो राइट गाइजर हम सिंपली गाइजर इस नाइफ की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो राइट गाइजर आप देख सकते हो ये सोडियम मेटल, सच में गाइजर सोडियम मेटल काफी ज्यादा चमकदार हो इतना मुलायम होते कि हम चाकू की मदद से भी आसानी से काट सकते हैं। लेकिन गाइजर जो इसकी आकृति है ना गाइजर वो सेम गाइजर हम जो पनीर होता है ना सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते उसी तरह गाइजर सेम इस सोडियम मेटल की आकृति होती है। और राइट गाइजर अब हम सिंपली गाइजर इस सोडियम मेटल को इस कुछ इस तरीके से इस पाइप के अंदर डाल देते हैं और फिर गाइजर इसके ऊपर हमें कुछ मात्रा में पानी डालना होगा। लेकिन गाइजर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइजर दिस वीडियो इज मेक टू ओनली साइंस पर्पस, प्लीज डोंट ट्राई एनीवेयर। तो गाइजर अब हम सिंपली गाइजर इसके अंदर डालते हैं कुछ मात्रा में पानी और फिर इस बास्केटबॉल को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख देते। तो गाइजर सबसे पहले सोडियम मेटल को रिएक्ट कराने के लिए गाइजर इस पाइप के अंदर कुछ मात्रा में पानी डाल देते हैं और फिर गाइजर इस सोडियम मेटल को इस पाइप के अंदर ड्रॉप कर देते। लेकिन गाइजर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा सच में कहीं पर भी करने की ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गाइजर बिना नॉलेज किसी भी रसायन का एक्सपेरिमेंट करना अपने लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो गाइजर अब डालते इसे और रख देते इसे कुछ इस तरीके से। माय गॉड आप देख सकते हो गाइजर सोडियम मेटल का एक जरा सा टुकड़े से कितना सारा धुआं हो चुका है। लेकिन गाइजर जो हमारी बॉल है वो पहले ही नीचे गिर चुकी है और ये हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। तो गाइजर चलो इसका दोबारा टेस्ट करते हैं। ऑलराइट गाइजर अब करते हैं दोबारा ट्राई, क्योंकि गाइजर जो हमारा पहला वाला एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो गाइजर फिर से डालते हैं इसके अंदर कुछ मात्रा में सोडियम और अब रख देते हैं इसे कुछ इस तरीके से। माय गॉड गाइस आप देख सकते हो कि सोडियम मेटल ने इस बॉल को कुछ काफी ऊंचाई तक हवा में फेंक दिया। लेकिन गाइजर आप देख सकते हो इस तरफ से जो बॉल है ना वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो गाइजर अब के बार करते हैं गाइजर इस वाली बॉल के साथ में इसका टेस्टिंग और देखते हैं कि क्या होता है। अब करेंगे गाइजर इस छोटी वाली बॉल के साथ के इसका टेस्टिंग और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट गाइजर अब डालते हैं इस वाले टुकड़े को और फिर गाइजर इस छोटी वाली बॉल को इसके ऊपर रख देते हैं और देखते हैं कि इसका क्या होता है। सच में गई यार इस सोडियम मैंने तो गई यार उस छोटी वाली बॉल को तो गई यार सच में अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा दिया। सच में गई यार मुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा कि गई यार ये बॉल सच में इतनी ऊंचाई तक जाएगी। लेकिन गई यार सच में आप देख सकते हो जो इसके अंदर पानी था ना वो भी काफी ज्यादा खाली हो चुका। लेकिन गई यार ये वीडियो सच में काफी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन गई यार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गई यार आप सच में गई यार किसी भी केमिकल का प्रयोग कहीं पर भी करने की ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गई यार ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। और साथ ही साथ गई यार इस सोडियम मेटल की खास बात ये है कि गई यार ये वायु या नमी या जल के संपर्क में आता है आसानी से एक्सप्लोसिव हो जाता है और गई यार प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस सच में गई यार जो कि काफी ज्यादा फ्लेमेबल होती है। तो गई मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Oh, 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 oh